लगा देते हैं, इंतहाई मुखलिस है। और मैं समझता हूँ ये सरफराज महतो के लिए फ्रंट लाइन के अंदर जो है ना अपना किरदार पेश कर रहे हैं। मैं मोहतरम सालम सलाम अंसारी साहब से दरख्वास्त करूंगा, सर आप हमें बताइए कि क्यों कर आपने बैरिस्टर सरफराज अली महतो की हिमायत का ऐलान किया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जनाब बैरिस्टर सरफराज अली महतो साहब, या मौजूद कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज़ी भाई साहब, साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब सुनील मुंजो साहब, जानकी मुंजो साहब, जनाब नाहिद अफगान साहब, बल्दिया लाइफ फोरम के अहदेदारान और जिम्मेदारान, और इस तकरीब के मेजबान अब्दुल मतीन एडवोकेट साहब, सीनियर बुकला साहिबान, बुकला साहिबान और मोर्दस फातिमा, आज बल्दिया लाइफ फोरम ने मंजूर किया है बैरिस्टर सरफराज अली महतो इस मकसद के लिए कि जो के सदर का इंतखाब कर, जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है, जब भी सरफराज महतो, जब भी आमिर नवाज बुलाए इलेक्शन लड़ेंगे मैं उनके साथ। ये दो लोग और अगर तीसरा नाम मेरे लिए मुनासिब होगा तो जरूर लूँ सलीम मुंजो साहब, इन लोगों ने आके बुकला की सियासत में एक नया ट्रेंड पैदा किया। पहले बुकला की सियासत मैं सच्चे साथ लगा लेता हूँ, बुकला की सियासत जो है उस पर ये जाली इशराफिया, ये कारपोरेट माफिया और ये ड्राइंग रूम कैसे वकील सियासतदान काबिज जो वोट रूम को लड़ाते थे, जिस एक ही सीट पे पांच पांच कैंडिडेट्स पे हाथ रखते थे और अपने ओदों पे मुंतखिब होके मुख्तलिफ तरीकों से जायज और नाजायज तरीकों से मुंतखिब होके उन ओदों की कीमत वसूल करते थे, लेकिन इन लोगों ने आके बुकला की सियासत को नया ट्रेंड दिया और इन्होंने बुकला की खिदमत को, बुकला के जो भी मसाइल हैं, उनके थाने के मसाइल हैं, उनके अस्पताल के मसाइल हैं, उनकी खुशियों में शिरकत करना है, उनके गमों में शरीक होना और उनसे जो जाती एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है उस सिलसिले का आगाज किया और बुकला की खिदमत की। इससे ये लोग बुखला गए और तरह तरह की बातें करते हैं, वक्त कम है लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ ये लोग करेंगे ये तो बताएंगे और मुझे यकीन है जो कहेंगे वो करेंगे, और कभी वक्त की कोताही रही तो कोई इनका वक्त खत्म नहीं हुआ, इस साल नहीं करेंगे अगले साल उसको पाया तकमील पहुँचा देंगे। मेरा सिर्फ कहना ये है, मैंने अभी पिछले दिनों बैरिस्टर सरफराज अली महतो साहब मिले थे, मैंने कहा देखे रोदे साहब होगा आपको अजाफी सवाल का जवाब देता हूँ एडिशन का, उन्होंने कहा वो क्या है, मैंने कहा यही वो आपको बता दूँ, उन्होंने कहा बता दें, मैंने कहा आप पे बाकी इल्जाम के अलावा एक इल्जाम ये है कि आपने 4700 वोट आपने तीन साल में बनाए सलीम महतो ने, आमिर नवाज ने, और तो उन्होंने कहा नहीं वो सवाल का जवाब मैं अभी दे देता हूँ, थोड़े बात की बात, हमने 4700 वोट नहीं बनाए, हमने अभी तक तीन सालों में 5800 वोट बनाए और इंशाल्लाह ये 5800 वोट जो है ये इसमें से 4500 से लेके 5000 वोट मिलेगा और उसमें से हम 1500-2000 की लीड से जीतेंगे, बाकी जो पुराने वोट है अगर 500 की लीड हो तो 2000-2500 की लीड से हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। आप लोग बातें करते हैं, हमें एक कहता है 1300 वोट से जीतेंगे, एक कहता है 1000 वोट से जीतेंगे, एक कहता है 1500 वोट से जीतेगा, लेकिन मैं तो ये बात कह रहा हूँ जिसके हमेशा खिलाफ रहे, लेकिन एक असूली बात जी वोट बना रहे हैं, बात ये सुप्रीम कोर्ट बार में जो लोग बैठे हुए हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस बाद में आता है, वो रोल बाद में साइन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार की रुकनियत का कार्ड पहले आता है, जब आप आपके ये रजिस्टर्ड होते हैं लोअर कोर्ट के वकील के तौर पर सिंध बार सबॉर्डिनेट कोर्ट से कहते हैं, जैसे कराची में के लिए ये जो डीबीए हैं
आपको एफिडेविट बन देना पड़ता है कि 30 दिन के अंदर मैं मेंबरशिप लूंगा, तो आप लाइसेंस लेते ही हकदार हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट में। मुझे सिर्फ ये बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में ऐसा कौन सा सिर्फ आपका पर लगा हुआ है, ये कौन सी जादू अशराफिया का क्लब है, ये कौन सा सिंध क्लब है कि जिसकी मेंबरशिप से चंद मखसूस वोट लेंगे और हाई कोर्ट का हर वकील इसकी मेंबरशिप नहीं ले सकते। ये असूली बात है, कोई आदमी इस बात का जवाब दे दे। फिर इसका मतलब केडीए की मेंबरशिप के लिए भी इंटरव्यू होंगे और चंद लोगों को बुलाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आप करें। अगर ये क्राइटेरिया दो जातों के लिए नहीं तो हाई कोर्ट के लिए क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि जो आदमी भी हाई कोर्ट में इनरोल हो वो फॉर्म फिल करें और उसकी मेंबरशिप। आप ये कहते हैं वोट डालने के लिए उसका इस्तेमाल कि वो वोट ले और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मेम्बरान को जो भी मुराद मिल रही है या जो भी इंसेंटिव मिलेगा वो लोग इसके हकदार। इसमें कोई दूसरी बात नहीं, ये जो प्रबंधा करते हैं नए मेंबरों को आप आउट करते हैं कि हर साल यही होता है और वो मेंबर इनके खिलाफ वोट देते हैं उतने वोटों से आते, ये इनको कोई सियासत करने नहीं आती। अब ड्राइंग रूम की सियासत का अब साथियों का दौर खत्म हो गया, अब जो खिदमत करेगा वो वोट लेगा, कोई अहदेदार नहीं देगा। अब जब इसमें शराब सरकार मित्र जीतेगा, अब आमिर रैल जीतेगा, अब वो जीतेगा जो खिदमत करेगा, जो खिदमत नहीं करेगा वो गायब हो जाएगा इस सियासत से भी और वकालत के सफा से। चाहे अपनी वकालत से रिपोर्ट कराए अपने वो काम करे जो आज तक वो दोनों पर काम करते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आप कहते हैं मैं आपसे इजाजत देता हूँ सरफराज नेत्रों के लिए नेक ख्वाहिशात का अदा करते हुए और इसकी फतह की दुआ करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत।